से पहले बेंगलोर <laughs> <okay>? <laughs> में एक औरत थी जिनकी अचानक से नाइनटीन नाइनटी नाइन में मौत हो जाती है उस औरत की बॉडी तो मिलती है लेकिन उसका कातिल जिसने उसे मारा वो कहाँ था कहाँ फरार हो गया ये चीज किसी को भी पता नहीं थी बट एग्जैक्टली exactly, जैसे ही ये बैंगलोर की लेडी मरी थी ठीक वैसे ही टू थाउजेंड सिक्स में और औरतें मरने लगी थी कर्नाटका में फाइव पांच औरतों का मर्डर हुआ था 2006 में कर्नाटका में एक साथ तीन महीने के पीरियड में और फिर से मुजरिम फरार हो गया फिर कहा चले गया किसी को भी कुछ नहीं पता था एन इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट सबको लग रहा था कि इस बार भी ये मुजरिम बच जाएगा पर फिर इस मुजरिम की बेवकूफी की वजह से ही पुलिस ने इसे पकड़ा बट आफ्टर लर्निंग अबाउट दिस किलर पुलिस का यह मानना था कि इसने सिर्फ पांच से छ लोगों को नहीं मारा है बल्कि पंद्रह से बाईस औरतों का खून करा था इसनेोर अबाउट टूडे केस Revolving around Cyanide Malika, it was Kadi and Pamma. She was the one who killed everyone. Normally मैं शुरुआत में अपनी वीडियो के नहीं बताता हूं चीज़ की कौन किलर था बट इस वीडियो में इट इज for फॉर यू टू नो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन यहाँ पे अपराधी है यह रहा का फोटो और इनकी फोटो देख के शक्ल ऐसा लग रहा होगा कितनी स्वीट सी नेबरहुड की आंटी जैसी है ये और ऐसी आंटी या फिर एक ऐसी औरत तुम लोगों ने अपने घर के पास में भी पक्का देखी होगी एम श्योर sure. पर कैनपम्मा की जो हिस्ट्री है उनकी जो बैक स्टोरी है दैट इज मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि उनके ये खून या षड्यंत्र सब के सब एक ही

कैन एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुई थी एंड उनकी फैमिली के बारे में ज़्यादा डिटेल तो नहीं है पर इतना मालूम है कि कैनपम्मा के फादर मजदूरी करते थे मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो के डी कैनपम्मा से एसोसिएटेड सभी लोगों ने उनके अरेस्ट के बाद से या तो उनसे टाइज कट कर दिए थे या फिर दे डिड नॉट वॉन्ट टॉक अबाउट हर और देट देवर रिलेटेड टू हर कैनपम्मा के जितने भी पुराने दोस्त थे रिश्तेदार थे सभी लोगों ने इस बारे में या फिर इस चीज़ पे स्टेटमेंट देने के लिए मना कर दिया था इसीलिए सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन हेयर इज इंट एक्जैक्टली करेक्ट पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं न्यूज़ आर्टिकल्स फॉलो करता रहूं और कोर्ट हेयरिंग फॉलो करता रहूं सो so, न बचपन से ही बहुत गरीब थी और उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि मैं तीन टाइम का भरपेट खाना क्यों नहीं खा सकती हूँ मैं अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकती हूँ मैं भला एक आलीशान घर में क्यों नहीं रह सकती हूँ ये सारी चीज़ें हमेशा उनके ख्याल में रहती थी वो अपनी फैमिली को रिजेंट तो करती थी उनकी गरीबी पे गुस्सा तो थी ही वो लेकिन कैनपम्मा अमीर लोगों को भी उतनी ही नफरत करती थी एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल उनके दिमाग में पैसा ही सब कुछ था उनके लिए वो चाहती थी कि उनकी शादी किसी बड़े अमीर रईस आदमी से हो जाए जो उन्हें इस गरीबी के चुंगल से बाहर ले जाए पर उनका ये ड्रीम भी पूरा नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही कैनपम्मा के टीन एज ईयर्स ख़त्म होने वाले थे उनके डैड ने उनकी शादी करा दी पर यह आदमी कैनपम्मा के ट्रीम जैसा राजकुमार या अमीर आदमी नहीं था ही वॉज अ टेलर जो कि ऑनेस्ट वर्क करके अपने परिवार को पालता था बट एज यू माइट हैव कैनपम्मा के लिए ये काफी नहीं था इस शादी में कैनपम्मा के तीन बच्चे हुए एंड अगेन दिस इज अराउंड 1995, तो बस उनके हस्बैंड के पैसे से घर नहीं चलता था इसीलिए कैनपम्मा को भी और जॉब्स करने पड़ते थे अपने बढ़ते परिवार का पेट पालने के लिए विच इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया हमारा देश बहुत ही ज़्यादा गरीबी में है और कहीं बार तो सिर्फ माँ बाप को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी काम करना पड़ता है इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा स्कैरी है क्योंकि करोड़ों लोगों की कहानियां एग्जैक्टली सेम है और कौन कब नेक्स्ट कैंपम्मा बन जाए ये किसी को भी नहीं पता कमिंग बैक टू कैमपम्मा वो इस समय लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी और वो ये सारे के सारे काम गेटेड सोसाइटी के अंदर वाले घरों में ही करती थी वो इसीलिए क्योंकि यहाँ के लोग अमीर थे एंड शी यूज टू लिव थ्रू देम शी यूज टू लिव थ्रू वाईसलीम और क्योंकि ये लोग अमीर थे तो इन सभी तो के पास बहुत सारे गहने भी थे तो किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा वर रिच पीपल, सो उनको क्या फर्क पड़ता है कि उनके घर से एक सोने की, की अंगूठी गायब हो गई तो आइडिया कुक करने के बाद उसने ऐसा ही करा हर उस घर में जहां वो काम करती थी उसने वहां से एक छोटा सोने का आइटम चुराया एंड शी वॉज हैप्पी क्योंकि उसे पता था कि सोना महंगा बिकता है पर कैम्पम्मा को ये नहीं पता था कि सोने की कीमत कितनी होती है इसलिए जब पहली बार उसने चुराया हुआ सोना बेचा तो पैसे देख कर उसे बहुत शौक लगा दिस वॉज मोर देन वॉ शी एक्सपेक्टेड और कैम्पम्मा को अब अपने बचपन का सपना पूरा होते हुए दिख रहा था कनपम्मा ये सारे के सारे पैसे लेकर अपने पति के पास गई और उसने अपने पति से कहा कि हम लोग एक चिट फंड का बिजनेस शुरू करते हैं वेरी हार्ड वर्किंग मैन तो उसको बहुत सारे लोग जानते थे एंड दे ट्रस्टेड हम ऑल्सो तो इसीलिए शी न्यू दिस थिंग फॉर श्योर कि उसके थ्रू कैनपम्मा के हस्बैंड के थ्रू बहुत सारे लोग इस चिट फंड में पैसे लगा भी देंगे एंड ऐसा ही हुआ बहुत सारे लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी कैन के चिट फंड में डाला पर 2001 में कैनपम्मा ने इस चिट फंड का सारा पैसा उड़ा दिया एंड एट दिस टाइम उसने अपने काम करने वाले एक घर से कुछ ज्यादा ही ज्वेलरी चुरा ली थी जिसकी भनक उस घर के मालिक को लग गई थी तो उन्होंने पुलिस को कैनपम्मा के ट्रेल पर लगाया कि देखो ये कहां जाकर क्या करती है एंड देन शी वाज़ कॉट रेड हैंडेड व्हाइल ट्राइंग टू सेल दीस ज्वेलरीज और फिर बिदादी पुलिस ने कैनपम्मा को 6 महीने के लिए अरेस्ट कर दिया था नाउ दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी पर कुछ आर्टिकल्स में यह भी लिखा गया था कि कैनपम्मा इस घर में एक पूजा करने वाली थी क्योंकि इस घर के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे उस टाइम पे तो कैनपम्मा ने उन्हें सजेस्ट करा कि तुम्हें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और तुम्हें अपने सारे गहने पूजा घर में रखने चाहिए कैनपम्मा ने इस घर के ओनर को विश्वास दिलाया कि उससे एक पूजा पाठ करनी आती है उसे एक ऐसा रिचुअल आता है जो कि उनकी सारी परेशानियों को मिटा देगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कैनपम्मा ने इनसे पूजा करने के लिए भी पैसे लिए थे बहुत सारे तो जब इन लोगों ने सारे के सारे ज्वेलरी पूजा घर में रख दी थी और जब मालिक उन्हें देख नहीं रहा था तो कैनपम्मा ने इस पूजा घर से ज्वेलरी चुराने की कोशिश करी थी और फिर घर के उन्होंने कैनपम्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया था एंड देन शी अरेस्टेड ये थी स्टोरी वेल दोनों में से जो भी सच हो इट साउंड लाइक हर इन बोथ ऑफ द टू बी डाइक स्पेशली इन द सेकंड जिसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वेल well, छह महीने जेल में रहने के बाद जब कैनपम्मा रिया हुई तो वह अपने बच्चों को और अपने पति से मिलने के लिए घर गई पर वहाँ जाकर उसे पता चला पूरे मोहल्ले में कैनपम्मा की चोरी की बात फैल गई थी और चिक फंड का भी पैसा कैनपम्मा ने उड़ा दिया था जिसकी वजह से कैंपम्मा की फैमिली को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इसीलिए कैंपम्मा के हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया दिस थिंग वुड बी हार्ड फॉर एनी वन इन दिस वर्ल्ड में अपने घर से बाहर निकाल दिया जाए और तुम्हारे पास कोई रहने का ठिकाना भी ना हो तो ये चीज़ ऑफकोर्स ही बात है किसी ना किसी को तो अफेक्ट करेगी ही बट नॉट फॉर कैनपम्मा आई थिंक हम सेंग हर नेम रॉन्ग कैनपम्मा कैमपम्मा है उनका नाम बट सल शी वॉज ऑर्डली काम अबाउट दिस होल थिंग एंड यहाँ से कैमपम्मा की असली क्राइम की स्टोरी शुरू होती है सिंह हम लोग अभी टू थाउजेंड वन की बात करे थे पर अभी के लिए हमें दो साल पहले जाना पड़ेगा टू नाइनटीन नाइन्टी नाइन नाइनटीन अक्टूबर नाइन्टीन नाइन्टी नाइन को होस कोटे में एक तीस साल की औरत ममता राजन थी जो कि अपने गाँव के एक मंदिर में पूजा कर रही थी ममता जी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी और वो अक्सर शाम के टाइम पर जब मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती थी तब यहाँ मन्नत मांगने और प्रे करने आया करती थी वो कभी कभी यहाँ घंटों तक शांति में बैठकर बस पूजा करती रहती थी और ममता का ये पूरा रूटीन केम्पम्मा ने देख लिया था सी ममता जी एक गोल्डन मंगल सूत्र पहनती थी जिस पर कैंपम्मा की नजर थी उस समय तो एक दिन जब मंदिर में कोई भी नहीं था तो कैंपम्मा ने जब ममता जी मंदिर से बाहर निकल रही थी तो उसने उसे बाहर निकलते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर मार दिया जिसके बाद वो ममता जी का मंगल लेके

उसका सुनार की दुकान में और तब वहाँ काम करते करते कैम्पम्मा को यह पता चला कि गोल्ड की सोने की असली वैल्यू क्या होती है बट विद ऑल ऑफ दिस शी ऑल्सो केम टू नो अबाउट अ वेरी पिक्यूलियर केमिकल जिसको सोने के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करा जाता है और एक ऐसा केमिकल जिसका हाई डोसेज एक आदमी को सीधा मार सकता था एंड दैट केमिकल वॉज साइनाइड सुनार की दुकान में काम करते करते खेमपम्मा को साइनाइड के बारे में पता चल चुका था और उसे ये चीज़ भी पता थी कि बेचारे लाचार और जो जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान लोग हैं वो आखिर में भगवान के पास ही आते हैं डोंट लाइट तुम लोग भी भगवान को तभी याद करते होंगे जब तुम किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसते होंगे तो वैसे ही जब लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो मंदिर ही जाते हैं और इसी चीज का फायदा कैंपम्मा बहुत ही जल्दी उठाने वाली थी बाई स्टीलिंग एंड किलिंग ओवर फाइव वेमेन बिटवीन टेंथ अक्टूबर एंड 18th दिसंबर कैंपामा की पहली विक्टिम थी ममता जी पर कैंपामा की सेकेंड विक्टिम का नाम था एलिजाबेथ जो कि 52 साल की थी और सातानुर में रहती थी एलिजाबेथ अपने ग्रैंड डॉटर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर उनकी पूरी ज़िंदगी थी पर कुछ हफ्ते पहले एलिजाबेथ की ग्रैंड डॉटर घर से गायब हो गई थी तो इसीलिए मन्नत मांगने के लिए और भगवान से प्रे करने के लिए वो मंदिर आई थी जहां पर कैम्पम्मा भी थी कैम्पम्मा ने पहले कुछ हफ्तों तक एलिजाबेथ का ट्रस्ट गेन करने के लिए उससे बातें करी उसके दुख दर्द सुने और फिर उसने एलिजाबेथ को एक सोल्यूशन दिया उसने एलिजाबेथ से कहा कि मुझे एक ऐसा रिचुअल आता है जिससे भगवान 100 परसेंट प्रसन्न हो जाते हैं पर इस रिचुअल को करने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहली कंडीशन इस रिचुअल की थी कि तुम्हें विवाह अवस्था में रहना होगा विच बेसिकली कि तुम्हें ऐसे ड्रेस करना पड़ेगा जैसे तुमने अपनी शादी वाले दिन पे करा होगा सेकंड कंडीशन इन रिचुअल वाज कि तुम खुद भगवान के लिए पकवान बनाकर लाओगे एंड द लास्ट कंडीशन ऑफ दिस कि तुम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक पानी भी नहीं पी सकते तुम्हें उपवास रखना होगा और तुम्हारा ये उपवास तुम्हारे व्रत तभी टूटेगा जब मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी ना जो लोग बहुत ही ज्यादा शार्प होंगे उन्हें समझ आ गया होगा भी कि कैंपम्मा क्या करने का ट्राई कर रही थी ठीक है शी वॉज प्रेइंग ऑन दीज हेल्पलेस पीपल और इन लोगों के लिए तो ये किसी भगवान के दूध से कम नहीं थी उस समय सेकेंडली उसने एलिजाबेथ और आने वाले आगे के विक्टम्स को भी शादी के जोड़े में आने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शादी के दिन लोग सबसे ज्यादा जेवर पहनते हैं एंड देन लास्टली खाली पेट रहने के लिए उसने इसलिए कहा ताकि जब ये लोग अपना व्रत कैंपम्मा के पानी से तोड़े तो वो पानी सीधा इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए वही पानी जिसमें कैंपम्मा ने साइनाइड डाला था तो एलिजाबेथ ने भी वही करा वो कैम्पम्मा के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गई बिल्कुल सज धज के हाथ में पकवान लेकर और व्रत लेकर कैम्पम्मा ने रिचुअल करने का ढोंग करा और फिर एलिजाबेथ का व्रत तोड़ने के लिए उसने उसे साइनाइड से भरा पानी पिलाया जिसके थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ गई एलिजाबेथ के पहने सारे के सारे गहने चुराए और उसके बाद वो वहां से भाग गई दिस वॉज कैंपा सेकेंड थर्ड विक्टिम वॉज यशोधमा जिनकी एज 60 साल की थी और उनकी मौत हुई थी सिद्धांगा मुथ क्या सन्द्रह पर इन दिसंबर 2007 थाउजेंड यशोधामा जी को अस्थमा की बीमारी थी तो वो भी बहुत ज़्यादा मंदिर जाया करती थी मन्नत मांगने के लिए अपने शरीर के लिए अपने वेलबींग के लिए इसीलिए जब कैम्पम्मा उनसे मिली उसने अपने रिचुअल के बारे में यशोधामा को बताया और फिर उसने कहा कि अगर तुम मेरा रिचुअल करती हो तो तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए अस्थमा खत्म हो जाएगा और लाचार यशोधामा को जब और कोई सोल्यूशन नहीं दिखा तो वो कैम्पम्मा की बातों में आ गई और फिर सेम एलिजाबेथ वाले मेथड से कैम्पम्मा ने यशोधामा को भी मार दिया उसके बाद कैम्पम्मा मिली साठ साल की मुनियम्मा से जो कि हमेशा से भजन गाना चाहती थी पर उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती थी कि वो ढंग से चल भी नहीं सकती थी गाना तो दूर की बात थी मुनियम्मा मौत की कदार पर थी पर फिर वो यदयूर टेम्पल में कैम्पम्मा से मिली कर ली कि कभी भी एक लोकेशन में और हर एक औरत को मारने के बाद कैंपम्मा अपना नाम और एड्रेस पक्का चेंज करती थी so मारने के बाद कैंपम्मा ने अपना नाम मलिका में चेंज कर दिया तो पुलिस क्या करती की वो मलिका को लोकैलिटी में ढूंढती पर तब तक मलिका एक ही एक पम्मा उस लोकैलिटी से बहुत दूर चले जाती थी जिसकी वजह से वो कभी पकड़ी ही नहीं गई और कैंपम्मा की फिफ्थ रिकॉर्डेड विक्टम थी नागावैनी जो कि तीस साल की औरत थी नागावैनी बहुत साल से कोशिश कर रही थी कि उन्हें बच्चा हो पर लाख कोशिश करने के बावजूद उन्हें बच्चे नहीं हो पा रहे थे पर फिर वो मिली कैंपम्मा से जिन्होंने उनसे ये वादा करा कि तुम्हें बस बच्चे ही नहीं बल्कि मेरे रिचुअल के बाद एक लड़का होगा

कोलार डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली 22 साल की रेणुका अपने घर में अकेले रहती थी रेणुका के पति दुबई में काम करते थे और अक्सर रेगुलर छुट्टी लेकर अपनी बीवी से मिलने आते थे इंडिया क्योंकि उन दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी पर फिर भी रेनुका को अपने घर में अकेले रहना पसंद नहीं था इसीलिए वो अपनी बहन के घर मानी के घर में रहती थी बट अनफॉर्चुनेटली फॉर रेनुका मानी और कैंपम्मा एक दूसरे को जानते थे दरअसल जगह जगह भागने के बाद भी और इतना सारा पैसा होने के बाद भी उसे अपने नेक्स्ट विक्ट को जानने के लिए ढोंग तो करना ही पड़ता था और इसीलिए वो हाउस होल्ड काम करती थी नई जगह में जाके अपने नए शिकार को ढूंढने के लिए और ऐसे ही एक घर में कुक का काम करते हुए कैंपम्मा की मुलाकात हुई मानी से कैंपम्मा और मानी बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे और कहीं बार कैंपम्मा के घर भी जाती थी और वहीं वो रेणुका से मिली ये तीनों अब क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी पहली संतान एक लड़का हो बस फिर सेम कैंपम्मा ने रेणुका को भी अपना वही रिचुअल बताया जिससे 100 परसेंट गारंटी उसे एक लड़का ही होता और रेणुका क्योंकि 22 साल की थी वॉज यंग ओनली तो वो बेचारी उसकी बातों में आ भी गई पर सेवेंथ दिसंबर 2006 को रेणुका अपने घर से गायब हो गई और क्योंकि रेणुका के साथ साथ उसके सारे जेवर भी उसके घर से गायब हो गए थे तो मानिका सबसे पहला शक कैंपम्मा पर ही गया उसके बाद जब रेणुका के हस्बैंड 29 दिसंबर 2006 को वापस आए तो उन्होंने फिर एफ आई आर लिखवाई रेणुका के लिए जिसके बाद पुलिस रेणुका को ढूंढने लग गई बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कैंपम्मा नहीं बल्कि रेणुका की सिर्फ डेड बॉडी मिली थी रेणुका की स्टोरी अखबार में छप गई थी जिसकी वजह से बाकी फैमिलीज़ भी पुलिस के सामने आई और उन्होंने भी कहा कि हमने भी इस औरत को देखा है दे वर ऑल गिविंग द सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ फेस बस नाम अलग अलग था उस औरत का तो पुलिस को कैंपम्मा को ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था पर यह जो ज्वेलरी उसने चुराई थी रेणुका से ये बनने वाला था रीजन कैंपम्मा के अरेस्ट का थर्टी दिसंबर टू गायब होने के दो साल बाद एक जयम्मा नाम की लेडी की खबर पुलिस को मिली ये जयम्मा नाम की औरत लोकली कुछ हफ्तों से बहुत बड़ी अमाउंट में ज्वेलरी बेच रही थी पर जब जयम्मा इनमें से एक ज्वेलरी शॉप में गई थी ज्वेलरी बेचने के लिए तो ज्वेलरी वाले ने नोटिस करा कि जो ज्वेलरी जयम्मा इस दुकान में लेके आई थी वैसी ही सेम ज्वेलरी उस दुकान वाले ने अखबार में कहीं देखी थी तो उस दुकान वाले ने इस ज्वेलरी को ख़रीदने से मना कर दिया था और क्योंकि ये औरत इस जगह की नहीं थी तो कुछ लोगों ने और उस ज्वेलरी शॉप ओनर ने पुलिस को टिप दी थी जय अम्मा को फॉलो करने के लिए शायद से जय अम्मा को भी इस बात की भनक लग गई थी तो अपना सारा सामान बेचकर कर बस स्टैंड पर खड़ी थी यहाँ से भागने के लिए कि तभी पुलिस ने वहाँ आकर उसे अरेस्ट कर लिया और तब उन्हें पता चला कि जयम्मा और कोई नहीं बल्कि कैंपम्मा ही थी जो कि बस नाम बदल कर एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही थी कैंपम्मा के पकड़े जाने पर पुलिस के मन में बहुत सारे सवाल थे पर सबसे पहली चीज उन्होंने कैंपम्मा से ये पूछी कि क्या तुमने ही सच में इन सारी औरतों को मारा था जिसको कैंपम्मा ने बिना किसी हेजिटेशन के स्वीकार कर लिया और उसने बोला कि हाँ मैंने ही इन सारी औरतों को मारा है दिस शॉकिंग टू पुलिस क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद से एडमिट नहीं करेगी अपने क्राइम्स पर बट शिडेड नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा जिसके रिस्पॉन्स में कैंपम्मा ने कहा कि मुझे बस चोरी करनी थी मेरा बस ज्वेलरी से मतलब था मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी इन औरतों से उन औरतों के पास कुछ ऐसा था जो मुझे चाहिए था इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया और उनकी वो चीज अपने लिए ले, ले ली उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा कि आखिर तुमने साइनाइड क्यों यूज करा तुम उन्हें बेहोश भी कर सकती थी उनकी मौत नहीं कर सकती थी बस सामान लेके भाग जाती तो आखिर तुमने ऐसा क्यों करा तो इसके रिप्लाई में कैम्पम्मा ने कहा कि सबसे ज्यादा ज्वेलरी एक ही टाइम पे कलेक्ट करने के लिए जो उनका प्लान था उसमें शी हैड टू तो कम क्लोज टू ऑल हर विक्टम इसीलिए उसे ये डर था कि चोरी के बाद कहीं कोई कुछ पुलिस को बोल न दे और मैं जल्दी ना पकड़ी जाऊं इसीलिए शी किल्ड देम जस्ट

और सभी चीजों को देखकर और कैमपम्मा के खुद के बयान को देखकर कोर्ट ने कैमपम्मा को डेथ सेंटेंस सुना दी थी 2012 में दिस वॉज सच शॉकिंग केस फॉर कर्नाटका कि कोर्ट ने कैनपम्मा को साइनाइड मलिका का नाम दे दिया दिस इज इन क्लियर कि मलिका नाम कहाँ से आया पर ऐसा बोला जाता है कि मलिका भी कैनपम्मा का एक फेक नेम था कैनपम्मा पहली औरत थी जिन्हें कर्नाटका में ही नहीं इंडिया में डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी और इसीलिए केस इतना ज़्यादा बड़ा था 2012 में पर फिर 2013 से 2014 में कोर्ट ने ये वाला फैसला वापस ले लिया और डेथ पेनल्टी की जगह अब उन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुना दी विच मीन्स कि कैनपम्मा अभी भी जिंदा है उनका यह कहना था कि कैनपम्मा ने अपना गुनाह कबूल करा बट देर वॉज ओनली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगेंस्ट हर कैनपम्मा एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक खूनी थी शी ओनली डिड दिस थिंग फॉर मनी शी ओनली डिड दिस थिंग फॉर ग्रीड और कैनपम्मा की बैक स्टोरी रिलीज केयर्स मी मोर देन हर डीड बिकॉज अगेन एक गलत स्टेप और कोई भी आज भी साइनाइड मलिका बन सकता है बट विद दैट साइनाइड मलिका का केस यहीं पर समाप्त होता है बिफोर यू गाइड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यूल की अगर आप लोगों को 10 million. I just want you guys to be here with me so that we can celebrate it together. And if you're still watching, go follow me on Instagram because. Anyway. But with that, I hope you guys are happy. I hope you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys. And I will see you very, very soon. Bye bye.